Assalamu alaikum students. I hope you have learnt your diary. In our previous lecture, we found that how two friends uh, took oath of sincerity and uh, during their journey, they found themselves uh, face to face a big bear. Now, let's continue already. The beast began to move towards them. खूनख्वार जानवर ने यानी वैश्य जानवर ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया दे हेल्पलेस एंड टेरिफाइड। उन्होंने बेयारों मददगार और खौफजदा महसूस किया वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्रीप उनमें से एक जानता था दरख्त पर चढ़ना जब आप आ, किसी भी आ, स्किल को जानते हैं जैसे कि राइड करना स्विमिंग करना तो हम यूज करते हैं लाइक हाउ टू स्विम डू यू नो हाउ टू स्विम क्या आप जानते हो तैरना इसका मतलब ये नहीं होता कि कैसे तैरते हैं यानी तैरना जानना जानते हो हाउ टू राइड तो इसी तरीके से हाउ टू क्लाइम का वर्ड है यानी उनमें से एक दरफ पर चढ़ना जानता था ही एट वंस एट वंस का मीनिंग uh, होता है फॉरन क्विकली आप क्विकली भी राइट कर सकते हैं और एडवांस्ड भी दोनों में से जो आपको इजी लगे ही एडवांस्ड कोट होल्ड ऑफ अ स्ट्रांग ब्रांच उन्होंने उसने फौरन क्या किया एक मजबूत ब्रांच को शाख को पकड़ा एंड स्वंग अप द ट्री और धड़ पर चढ़ गया द अदर कुड नॉट क्लाइम दूसरा नहीं चढ़ सकता था यानी उसे चढ़ना नहीं आता था ही हैड हर्ड उसने सुन रखा था यहाँ हर्ड के स्पेलिंग देख लें आप लोग स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं आप इेगुलर फॉर्म में जैसे राइट करते हैं ED, आप एच ई ई ए आर डी राइट कर देते हैं हर्ड में हम ई डी नहीं राइट करते ही हैड हर्ड उसने सुन रखा था दैट द बीयर डज नॉट ईट द डेड के रीच मुर्दा नहीं खाता अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज नोटिस करें आपने अक्सर देखा होगा कि पास्ट के टेंस में हम कॉम्बिनेशन में पास्ट टेंस ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आया यानी ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी ये बात हकीकत है कि वो मुर्दा मुर्दार नहीं खाता यानी मुर्दा जानवर नहीं खाता इंसान हो मुर्दार नहीं खाता तो यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट टेंस आया सो ही ले डाउन वो लेट गया अब यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउट करते हैं कि यहाँ पर तो जो है दूसरी फॉर्म आनी चाहिए थी लेकिन ये लाइ की ले सेकेंड फॉर्म है सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड वो जमीन पर लेट गया एंड हेल्ड हिस्स ब्रेथ ये वर्ड है ब्रेथ जो ई वाला वर्ड होता है वो वर्ब वो होता है और उसे हम ब्रीथ प्रोनाउंस करते हैं ये नाउन है और ये ब्रेथ है उसने अपनी सांस रोक ली हेल्ड He अपनी सांस रोक ली प्रिटेंडिंग दिखावा करते हुए टू बी डेड मुर्दा होने का मीन वाइल इसी दौरान द बीयर केम टू हिम रीच उसके पास आया एंड स्निफ्ट सूंगा एट हिम उसके पास जाकर उसे सूंगा द बीस्ट लेफ्ट हिम उस खूनखुआर जानवर ने वैश्व जानवर उसे छोड़ दिया वेन द बीयर ऑफ साइड जब उस मंजर से uh, रीच चला गया वहां से चला गया द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन दोस्त द्रख से नीचे आया ही आस्ट हिज फ्रेंड उसने अपने दोस्त से पूछा डियर फ्रेंड प्यारी दोस्त वीर द बीयर विस्पर इन योर ईयर रीच ने तुम्हारे कान में क्या सरगोशी की द अदर रिप्लाइड क्विकली दूसरे ने फौरन जवाब दिया द बीयर एडवाइज यहाँ पर देखिए, एस से एडवाइज आ रहा है ये वर्ब है अगर आपका सी से आएगा तो वो नाउन होता है यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है और ये सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है बियर एडवाइज मी नॉट टू ट्रस्ट असीहत की भरोसा कहते हुए उसने उसे छोड़ दिया एंड वेंट अवे और चला गया मोरल इन नीड इज अड दोस्त वो जो जरूरत में काम आए सो so स्टूडेंट इस स्टोरी से हमें यह लेसन मिलता है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए वरना जो है आसान और जो आपका खुशी का वक्त होता है और नॉर्मल टाइम होता है उसमें तो हर कोई साथ दे देता है सच्चा दोस्त तो तभी साबित होता है जब आप किसी मुश्किल में हो किसी परेशानी में मुबतला हो तो वो आपकी मदद करे स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने इंग्लिश के काम के लिए एक सेपरेट कॉपी लेनी है अगर आप लिटरेचर का, का काम कर रहे हैं तो लिटरेचर की हेडिंग दे दें लैंग्वेज का कर रहे हैं तो लैंग्वेज की हेडिंग दे दें डेट वाइज आपने काम करना है डे मेंशन करना है जैसे हम अपनी क्लास में क्लास वर्क करते हुए प्रॉपरली अपनी कॉपी को प्लान करते थे डबल मार्जिन ड्रो करते थे हेडिंग देते थे हम और जिस तरीके से स्टोरी स्टार्ट करने के लिए हम टू फिंगर्स स्पेस देते थे और पैराग्राफ स्टार्टिंग में भी हम वही प्रोसेस करते थे ये आपने इन तमाम काम को जो है ध्यान में रखते हुए करना है और प्रॉपर आपने काम करना है नीटली काम करना है स्पेस देते हुए काम करना है मेस वर्क नहीं करना आप लोगों ने वरना मैं दोबारा से बता रही हूँ आप लोगों को, को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आप लोगों ने अपने वो मार्क्स घंवा देने हैं